मैथमेटिक्स ऑफ क्लासशिप। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। सिंपलीफाई डियर स्टूडेंट्स, आप चैप्टर नंबर फर्स्ट के रिवीजन के क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे है सिंपलीफाई, तो हमें सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर हमें दिख रहा है 4/9 - 2/9 + 7/9। हम जानते हैं सॉल्यूशन पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग बस फिर उसे दोहरा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 4/9 - 2/9 + 7/9 हम देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे कि यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है, तीनों फ्रैक्शन के जो डेनोमिनेटर है सेम है। बताया जाता है आप लोगों को या बताया जा चुका है कि जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो अगर हमें प्लस करना है तो प्लस कर देते हैं और माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम है इसलिए हम लोग डायरेक्ट 9 को ले लेंगे और यहाँ 4 - 2 + 7। इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है प्लस वाले नंबर को प्लस में प्लस कर दिया जाता है और माइनस वाले को माइनस में। तो देखिए इस नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। जब किसी नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो उसे हम पॉजिटिव मान लेते हैं, यानी प्लस मान लेते हैं। तो प्लस यह है इन दोनों को हम एक में कर देंगे तो हो जाएगा 11। इन दोनों को हम एक में ऐड कर देंगे तो 11, और यहाँ बचा -2/9। जब इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9/9। 9 ऊपर भी 9 नीचे भी 9 से 9 क्रॉस हो जाएगा = 1। हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के सी को देखते हैं। यहाँ पे 4/8 - 2/3 + 4/5 - 8/12। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि हमारा डिनोमिनेटर सेम था, यानी बराबर था, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम सबसे पहले डेनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, मैं आपको निकाल कर बताता हूँ। 8, 3, 5 और 12 है, एलसीएम निकालेंगे। पहले यार किससे डिवाइड होगा बेटा, 2 से 2 4 जाए 8, 3 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 बार में 12 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स नहीं, यह नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और यह होगा। फिर 2 से करेंगे या 1 टाइम्स में, या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 3 से करेंगे या तो पहले हो चुका है, या हो जाएगा, या नहीं होगा और यह हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, 1, 1। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारा जो एलसीएम करने पर यही नंबर आया। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। फिर से देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20 0, 5 2 जा 10, 10 2 प्लस करेंगे 12। तो हमारा एलसीएम कितना आया डियर स्टूडेंट, 120। हमारा एलसीएम कितना आया 120। सो अब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप पे। जब हम डेनोमिनेटर का एलसीएम लिए तो हम क्या पाया बेटा, हमारा एलसीएम कितना आया 120। अब हम ऐसे कर लेंगे, फिर 8 का इसमें हम डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, 8 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 टाइम्स जाएगा, यानी 15 बार। देखिए 120 में जब हम 8 का करेंगे तो 8 1 8 4 और 8 5 जा 4, तो 15 टाइम, और इस 15 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 4 जा कितना होता है 60, और यहाँ हो गया माइनस। फिर अब हम यही काम 3 का डिवाइड करेंगे, इसमें 120 में 3 का करेंगे तो 3 हो
फोर या ट्वेल्व क्रॉस हो गया, जीरो उतारेंगे जीरो टाइम्स जाएगा, यदि क्रॉस 40 टाइम्स है कितना आया डियर स्टूडेंट 40, 40 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 42 या 80, इतना समझ में आ गया। इसी प्रकार अब हम 5 का डिवाइड करेंगे इसमें, ध्यान से समझिएगा, 5 2 या 10 2 0 5 4 या 20 24 टाइम्स, और 24 का फिर हम 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 4 या 16, 4 2 या 8 में 1 प्लस करेंगे 9, साइन प्लस का है प्लस बना लेंगे, फिर यहाँ माइनस का करेंगे हम, देखिए वही काम अब हम यहाँ भी करेंगे, 12 का जब डिवाइड करेंगे 120 में तो 12 बन जाए 12, क्रॉस हो गया, 0 को यहाँ उतार लेंगे 0 टाइम्स हो जाएगा, इस तरीके से हमारा परसेंट आया 10, 10 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 80। अब हम इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में प्लस कर लेते हैं, हम निगेटिव वाले को निगेटिव में, यह हमारा पॉजिटिव है और यह हमारा निगेटिव, यह दोनों पॉजिटिव है और यह दोनों निगेटिव है, तो जब हम इन दोनों को एक पे प्लस करेंगे और इन दोनों को एक पे, तो इन दोनों में जब हम प्लस करेंगे 6, 9 और 6 को प्लस करेंगे तो 15, माइनस 80 और 80 को प्लस करेंगे तो 160 बाई 120। अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखिए 156 में से 160 माइनस नहीं होगा तो हम उल्टा माइनस कर लेंगे, जब उल्टा माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 और माइनस वाले का नंबर ज़्यादा है इसलिए हमें माइनस आ जाएगा बाई 100। देखिए यह डिवाइड भी हो जाएगा, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 और 0 यानी 1/30 विथ माइनस, यानी माइनस 1/30 हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट वी कम टू द 53 क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ध्यान से देखिएगा 9/10, इसे हम 9/10 भी पढ़ सकते हैं, माइनस 2 होल 1/5 प्लस 3 होल 1/2, ये हमारा क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। आप जानते हैं जो इस प्रकार का होता है उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं डियर स्टूडेंट मिक्स फ्रैक्शन, आप लोग पिछली क्लास में पढ़ भी चुके होंगे, तो इसे पहले हम चेंज करेंगे इस प्रकार ऐसा बना देंगे इस फ्रैक्शन को, इन दोनों फ्रैक्शन को जब हम ऐसा बना देंगे तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 9/10 माइनस 2 होल 1/5 प्लस 3 होल 1/2। डियर स्टूडेंट 9/10 हो जाएगा, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 10, 10 में 1 को प्लस कर देंगे 11/5 प्लस 3 2 6, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7/2। यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर सेम नहीं है, जब डेनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम सबसे पहले सभी फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका इसका और इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 10। अगर किसी बच्चे को एलसीएम निकालने की कोई समस्या है तो मैं इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैं एलसीएम निकाल कर बताया था, उसी प्रकार आप 10, 5 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, 10 का इसमें हम डिवाइड करेंगे, जब 10 का आप 10 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो जब 1 आएगा तो 1 के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 1 9 माइनस 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा डियर स्टूडेंट 2 टाइम्स, क्योंकि 5 2 10 2 आ जाता है, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 20 2 प्लस इस 2 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 45। इस प्रकार पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में प्लस कर दिया जाता है।
जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 और 9 14, और 3 में कैरी को प्लस कर लेंगे 4, माइनस 22/10। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 22/10, यहाँ पर देखिए यह 2 से डिवाइड हो जाएगा, 11 2 या 22, और 2 5 या 10, तो हमारा आंसर आएगा 11/5। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए ऊपर का बड़ा है यानी न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए हम 11 में जब 5 का डिवाइड करेंगे, 5 2 या 10, हमारा 1 रिमाइंडर आ गया। तो जो क्वेश्चन आया है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, और जो रिमाइंडर बचा है उसे हम ऊपर लिख लेते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे नीचे लिख लेते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले दिन। थैंक यू।